Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 21C of class 6 mathematics. In this video we will discuss about the circle and some topics related to the circle. So let's start first of all that what is circle. Here a circle is a simple closed curve all of whose point are at the same distance from a fixed point O in the same plane. The fixed point O is called the center of the circle. Means circle is tarike ka path hota hai, is tarike ka closed curve hota hai, jis pe wo sare point situated hote hain, wo sare point maujood hote hain, jinki ek fixed point se distance hamesha constant hoti hai. Pehle aaiye isko figure se samajhte hain. Jaise ye aapka ek circle hai, ये आपका फिक्स पॉइंट है सेंटर. तो इस सर्किल की यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब इस सर्किल के ऊपर जितने भी पॉइंट है उनकी सेंटर से डिस्टेंस हर तरफ से सेम होगी. क्लियर? सेम एज हियर. सपोज कर लीजिए यहाँ पर फिक्स पॉइंट है, तो इस फिक्स पॉइंट की यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो सब जगह सेम होगी सब तरफ से. तो वो क्या होगा? आपका सर्किल होगा. ऐसे इस कॉइन का जो एक सेंटर है वो यहाँ सपोज कर लेते हैं, कॉइन की यहाँ तक की डिस्टेंस सब तरफ की डिस्टेंस सेम होगी. तो ये कर्व आपका क्या कहलाएगा? सर्किल कहलाएगा. सेम एज हियर इन दिस क्लॉक, हियर इज अ सेंटर एंड द सेंटर और ये सर्किल तक की जो डिस्टेंस है वो सब जगह सेम होती है. तो इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाएगा? सेंटर. और जो डिस्टेंस होती है इनकी सर्किल के तक से, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस. ये आगे डिस्कस करेंगे. अब पार्ट ऑफ सर्किल कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट रेडियस. अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल. अब इस फिगर में देखिएगा, सपोज ये आपका एक सर्किल है, सेंटर ओ एज ए फिक्स्ड पॉइंट, सेंटर ओ ये सर्किल है, इस पे कौन कौन से पॉइंट है? पी ए एम एन बी. ओ पी क्या कहलाएगा? रेडियस. मीन्स फ्रॉम सेंटर ओ टू सर्किल पर कोई पॉइंट हो पी, वहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है? रेडियस. सो इस फिगर में ओ पी क्या है? रेडियस. इसी तरीके से ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, ओ से एन तक को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ओ एन रेडियस, ओ एम रेडियस, ये सारी लेंथ आपकी क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी. बट कंडीशन ये है कि डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जा रही हो? फ्रॉम सेंटर टू सर्किल, सेंटर से सर्किल तक के पॉइंट को मेजर किया जाए. ऐसा नहीं कि कहीं से भी मेजर कर लें वो रेडियस आपका नहीं होगी. सेंटर से सर्किल तक की जो लेंथ होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी. ऑल रेडियाई ऑफ और सर्किल आर इक्वल, किसी भी सर्किल की सारी रेडियस सेम होती है. मीन्स ओ पी, ओ ए, ओ बी, ओ एन, ओ एम, ये सारी रेडियस आपकी सेम होगी. किसी भी डायरेक्शन में अगर हम मेजर करें तो रेडियस की लेंथ सेम होती है. सर्किल की डिफिनेशन यही है ना कि सेंटर से जो डिस्टेंस होगी सारे पॉइंट की वो सेम होगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट होता है कॉर्ड. ये कॉर्ड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन ए सर्किल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल. मीन्स किसी भी सर्किल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी वो क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी. अगर M और N ये दोनों पॉइंट सर्कल पर है, दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो MN क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी. इसी तरीके से A और B आपकी भी सर्कल पर पॉइंट है, तो अगर हमने AB को ज्वाइन कर लिया तो ये भी कॉर्ड कहलाएगी. बट देखिए यहाँ पर कॉर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर डायमीटर लिखा हुआ है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों कॉर्ड है, बट ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रही है, देखिए सेंटर से जा रही है ना, ए ओ बी, सच टाइप ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज नोन एज डायमीटर ऑफ द सर्किल. ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाए वो क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाते हैं. मतलब ये भी आपकी कॉर्ड है बट स्पेशली कहाँ से जा रही है? सेंटर से जा रही है, इसलिए इसको कॉर्ड ना कहकर डायमीटर कहा जाएगा. अब एक बार समझिएगा, एक डायमीटर मीन्स ए बी में ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. मीन्स जो डायमीटर होगी वो रेडियस की डबल होगी. देखिए ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, तो दो रेडियस मिलाकर क्या बनता है? एक डायमीटर बनता है. तो एक डायमीटर की लेंथ जो होगी वो टू रेडियस के इक्वल होगी. ये आगे और टॉपिक में अभी देखा जाएगा जब डायमीटर की डिफिनेशन आएगी. अच्छा, अभी कॉर्ड की बात हो रही कि सर्कल पर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो आपका कॉर्ड कहलाएगा. तो एम एन कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, लेकिन आप ओ पी को कॉर्ड नहीं कह सकते हैं. ऐसा इसलिए नहीं कह सकते हैं, एक पॉइंट तो सर्कल पर है, दूसरा पॉइंट आपका सर्किल के ऊपर नहीं है, सर्कमफ्रेंस पे नहीं, वो सेंटर है. सो सर्किल टू सर्किल अगर पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वो लाइन आपकी कॉर्ड कहलाएगी. तो एम एन आपकी कॉर्ड है और ए बी आपकी कॉर्ड है.
जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वो कॉर्ड आपकी क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है। और जो कॉर्ड आपकी सबसे बड़ी होगी वो कहाँ से जाएगी? सेंटर से जाएगी। मीन्स ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रही है उसको क्या बोला जाएगा? डायमीटर बोला जाएगा। और एक डायमीटर 2 रेडियस के इक्वल होता है। ओ ए ओ बी दोनों रेडियस है, सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। नेक्स्ट, डायमीटर, ए कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्किल ओ, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज डायमीटर। मीन्स ऐसी कॉर्ड जो कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से पार हो रही है, वो क्या कहलाएगी? आपकी डायमीटर कहलाएगी। यानी कि डायमीटर जो होती है वो लार्जेस्ट होती है कॉर्ड की, जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी डायमीटर कहलाएगी। इस फिगर में ए बी आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ये कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है। ये भी कॉर्ड थी, ये भी कॉर्ड थी, बट जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी, लार्जेस्ट कॉर्ड होगी, वो क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। मीन्स ए बी आपकी क्या है? डायमीटर है। 1 डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस, 1 रेडियस ओ बी अदर रेडियस, सो 1 डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट, सरकमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है वो डिस्टेंस जो सर्कुलर पाथ पर कवर की जाए। जैसे सपोज करिए आप पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट करिए, ओ पी बी एन एम ए, वापस आपने ए से स्टार्ट किया और एक सर्कल कंप्लीट करके आप ए पे पहुंच गए, तो जो भी डिस्टेंस आपने बाउंड्री पे कवर की वो डिस्टेंस आपके क्या कहलाएगी? सर्कमफ्रेंस कहलाएगी। सर्कमफ्रेंस मीन्स जो सर्कुलर पाथ की लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस कहलाती है। द डिस्टेंस अराउंड ए सर्किल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। जैसे ये पॉइंट है, अगर इस पे सर्कुलर पाथ पे जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी? 1 सर्किल कंप्लीट करने पर सर्कमफ्रेंस कहलाएगी। ठीक है, इसी सर्कमफ्रेंस को पेरीमीटर भी बोला जाता है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। स्क्वायर शेप होगा, ट्राइंगुलर शेप होगा, तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। इस सर्किल में कोई साइड तो होते नहीं, तो कर्व पोर्शन होता है, तो सर्कमफ्रेंस मीन्स जो बाउंड्री की लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? आपकी सर्कमफ्रेंस कहलाएगी। अब इस फिगर में देखिएगा, 2 पॉइंट है। एक सर्किल डिवाइड द पॉइंट और रीजन ऑफ द प्लेन इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट द सर्किल इटसेल्फ, द इंटीरियर ऑफ द सर्किल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। मीन्स सर्किल के ऊपर जो पॉइंट आ रहे होंगे वो लाई ऑन द सर्किल कहलाएंगे, सर्किल के अंदर जो पॉइंट होंगे वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएंगे, और सर्किल के बाहर जो पॉइंट होंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट होंगे। अब इस फिगर में देखिए, पॉइंट एम लाई ऑन द सर्किल, सर्किल की बाउंड्री के ऊपर है, क्लियर। एक्स एंड वाई इंटीरियर पॉइंट है क्योंकि ये सर्किल के अंदर आ रहे हैं, इस बाउंड्री के अंदर है, एंड पॉइंट पी आपका एक्सटीरियर पॉइंट है क्योंकि ये सर्किल के बाहर है। देखिए, सर्किल के बाहर पॉइंट पी है तो एक्सटीरियर पॉइंट है, एम लाई ऑन द सर्किल एंड एक्स वाई इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्किल है, क्लियर। फ्यू मोर डिफिनेशन रिलेटेड टू द सर्किल। सेकेंड, अ लाइन विच इंटरसेक्ट आर मीट द सर्किल एट 2 distinct points इज कॉल्ड सेकेंड और द सर्किल। ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर कट करे वो क्या कहलाएगी? सेकेंड कहलाएगी। जैसे पॉइंट लाइन पी क्यू, एक्स पी एक्स वाई एक लाइन है जो पी और क्यू पर सर्किल को कट कर रही है, तो ये एक्स वाई लाइन आपकी क्या कहलाएगी? सेकेंड कहलाएगी, क्लियर। टेंजेंट, अ लाइन विच टच ए सर्किल एट 1 point ओनली इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्किल। ऐसी लाइन जो सर्किल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो तो वो सेकेंड कहलाएगी, सिंगल पॉइंट पर कट कर रही हो तो वो क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी। टेंजेंट का एक कैरेक्टर ये होता है कि टेंजेंट हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, तो रेडियस ओ जेड एंड टेंजेंट वाई एक्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आपका राइट एंगल होगा। आर्क, एनी कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क। कोई सर्किल का कोई पार्ट ले लिया जाए, कोई टुकड़ा ले लिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। ए सी बी, ये देखिए डार्क पोर्शन है ना, तो ये आपको क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। इस आर्क को इंडिकेट करने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, ए सी बी। आर्क का मतलब ए से सी, सी से बी की तरफ गए, जो भी लेंथ हुई वो आर्क ए बी को रिप्रेजेंट करेगी, सेंटर ओ सर्किल का है। सेगमेंट क्या होता है? ए कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्किल डिवाइड द एरिया इनक्लोज्ड बाई इट इंटू 2 parts विच आर कॉल्ड सेगमेंट। कोई भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेगमेंट एंड सेक्टर ये कन्फ्यूज करता है, तो समझिएगा, सेगमेंट का मतलब हो गया किसी भी कॉर्ड से सर्किल जिन 2 हिस्सों में बटता है वो 2 हिस्से क्या कहलाते हैं? दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं? सेगमेंट कहलाएंगे। अगर से इक्वली डिवाइड हुआ तो सेमी सर्किल, सेमी सेगमेंट होंगे।
अगर से छोटा और बड़ा है तो जो साइज़ बड़ा होगा वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा, जो छोटा होगा वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा। ये कॉर्ड है, इनको देखिए, इसको इन्होंने शेडेड कर दिया है, तो ये पोर्शन जो है आपका माइनर सेगमेंट है, ऊपर का पोर्शन जो है वो मेजर सेगमेंट है, ऊपर ज़्यादा दिख रहा है सो ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा, ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा। सो सेगमेंट क्या होगा, ए कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्किल डिवाइड द एरिया इनक्लोज बाई इट इंटू टू पार्ट विच इज़ कॉल्ड सेगमेंट। एक लाइन कॉर्ड जो होती है वो सर्किल को दो सर्किल के एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, दोनों हिस्से क्या कहलाते हैं, सेगमेंट कहलाते हैं, उसमें से एक हो सकता है मेजर सेगमेंट हो, एक हो सकता है माइनर सेगमेंट हो। सेमी सर्कल, अ डायमीटर डिवाइड अ सर्किल इंटू टू इक्वल पार्ट विच आर कॉल्ड सेमी सर्कल। मीन्स अगर से डायमीटर अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था तो वो मेजर और माइनर सेगमेंट के फॉर्म में उसको क्लासिफाई किया जा रहा था, बट अगर से कॉर्ड आपकी डायमीटर इक्वली डिवाइड कर दे सर्कल को इनटू टू इक्वल पार्ट, सो दोनों पार्ट क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। अ डायमीटर डिवाइड सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट विच आर कॉल्ड सेमी सर्कल। देखिए ये डायमीटर है, हाफ ऊपर पोर्शन है, हाफ पोर्शन नीचे, तो दोनों पोर्शन क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है, इन्होंने इसको शेडेड कर दिया है। ओके, माइनर एंड मेजर आर्क। अब आर्क की डिफिनेशन तो इससे पहले पढ़ा था, जो कॉन्टिन्यूस पार्ट होता है सर्किल का वो आर्क कहलाता है, अगर उसमें से एक हिस्सा बड़ा है तो वो मेजर आर्क कहलाएगा, एक हिस्सा छोटा है तो वो माइनर आर्क कहलाएगा। सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेगमेंट एंड सेक्टर में कन्फ्यूजन होता है तो समझ लीजिएगा इसको, ये बार बार कन्फ्यूज ना होइएगा। सेक्टर, द पार्ट ऑफ ए सर्किल इनक्लोज्ड बाई एनी टू रेडियाई। वहाँ पे क्या था, अ पार्ट ऑफ ए सर्किल डिवाइडेड बाई ए कॉर्ड। यहाँ पे क्या, द पार्ट ऑफ ए सर्किल इनक्लोज बाई एनी टू रेडियाई, रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, टू रेडियाई ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्किल। यानी कि अगर से सर्किल का कोई हिस्सा दो रेडियस के बीच में आ रहा है, देखिए एक रेडियस ये ओ पी एंड ओ क्यू, इसके बीच में जो हिस्सा आ रहा होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सेक्टर कहलाएगा। मीन्स ओ पी आर क्यू ओ, ये क्या है आपका, सेक्टर है, जितना पोर्शन आपका शेडेड है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है वन फोर्थ ऑफ ए होल। मीन्स इफ टू रेडियाई आर एट राइट एंगल टू ईच अदर देन द सेक्टर इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल। सेमी सर्कल का मतलब हो गया हाफ हो जाना, क्वाड्रेंट का मतलब हो गया सर्किल का फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट तब होता है जबकि यहाँ पर 90 डिग्री हो। मीन्स अगर से सेक्टर की दोनों रेडियस के बीच में एंगल कितना बने, 90 डिग्री का, तो वो पोर्शन कितना होगा, क्वाड्रेंट होगा, वो सर्कल का वन फोर्थ होगा, एक चौथाई जिसको बोलते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मीन्स ऐसे सर्किल जिनका सेंटर कॉमन हो। देखिए सेंटर सर्किल ए, सर्किल बी, सर्किल सी, सबका सेंटर ओ है, तो टू आर मोर सर्किल विद द सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल। वो सारे सर्किल जिनका सेंटर सेम हो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाएंगे। दो सर्किल हो या दो से ज़्यादा हो, अगर से सबका सेंटर एक ही है, एक ही सेंटर, जैसे यहाँ पर ओ एक सेंटर है ना, ए का भी, बी का भी, सी का भी, तो ये सारे सर्किल को क्या कहा जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। मीन्स वो सब सर्किल जिनका एक सेंटर होता है, जिन एक ही सेंटर के थ्रू वो बने होते हैं, वो सर्किल क्या कहलाएगा, आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाएगा। क्लियर, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो इस टॉपिक में यूज़ होंगे, और ये बेसिक ज्योमेट्री है, इनको आपको समझना है, लर्न करना है, जब भी कभी रिवाइज करना होगा आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी बात। किसी भी लेवल पर आप हो, सिक्स में, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ तक की काम चलेगा। सो इस वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, क्योंकि जब भी सर्किल की टॉपिक आप पढ़िएगा तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, तो जब आप हायर क्लास में जाइएगा तो ये सब चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी, तो बेटर है कि इस वीडियो को बार बार वहाँ से आप देखते रहिए, तो समझ में आता रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हायर क्लास में जाइएगा तो और हाई स्टैंडर्ड की टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 21C। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल द डैश ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। अब आपको यहाँ पर फिल करना है सर्किल की कौन सी ऐसी चीज़ होती है कि सारी वो चीज़ें सेम होती हैं। तो सर्किल की कौन सी चीज़ सेम होती है, सर्किल की रेडियस सब जगह सेम होती है। सपोज़ कर लेते हैं आपके पास एक सर्किल है, पहले एक सर्किल ड्रा कर लें, सपोज़ ये आपका सर्किल है और ये सेंटर है, तो सर्किल की रेडियस सब जगह सेम होती है ना, ये रेडियस सेम है सब जगह। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या होगा, ऑल रेडियाई ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। रेडियाई मीन्स आर ए डी डबल आई, आर ए डी आई, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, ऑल रेडियाई ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। नाउ सेकेंड पार्ट, द डिस्टेंस अराउंड ए सर्किल इज कॉल्ड।
एक सर्किल के अराउंड जो डिस्टेंस मेज़र की जाती है उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट, एनी पार्ट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड ए एन। एनी पार्ट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड, किसी सर्किल का एक पार्ट क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा ना। सर्कुलर पार्ट जो होता है वो क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। वो मेजर आर्क भी हो सकता है और माइनर आर्क भी हो सकता है। सो एनी पार्ट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड आर्क, यहाँ पे लिख दीजिएगा ए आर सी आर्क। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज ऑफ इट्स डायमीटर। द रेडियस, अब देखिए डायमीटर क्या होती है आपकी, ये डायमीटर होती है, ये लाइन डायमीटर जो सेंटर से सर्किल टू सर्किल जा रही है पी क्यू ओ, तो ये डायमीटर है। तो एक रेडियस इसमें ये हो गई, एक रेडियस इसमें ये हो गई, तो जो डायमीटर है वो रेडियस की डबल है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। अगर डायमीटर का हाफ कर दें तो रेडियस मालूम हो जाएगी, रेडियस का डबल कर दें तो डायमीटर मालूम हो जाएगी। सो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, वन अपॉन टू लिख दीजिएगा या हाफ लिख दीजिएगा, एच ए एल एफ। द मिड पॉइंट ऑफ ए डैश इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब देखिए इसमें मिड पॉइंट डायमीटर है ना, इस डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ द सर्किल कहलाएगा। सो द मिड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। द मिड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, इट इज क्वेश्चन नंबर वन। ओके, ट्राई टू फिल ऑल द इंफॉर्मेशन हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स। अब आपको बताना है कि इसमें से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑन ए सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क। किसी भी सर्किल के ऊपर अगर से लाइन को ज्वाइन कर दिया जाए, किसी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए, जैसे सर्किल है यहाँ पे दो पॉइंट सपोज कर लेते हैं पी और क्यू सेंटर है, इसको ज्वाइन करने पे इन्होंने कहा आर्क बनेगा। इज इट क्लियर आर नॉट? नो, इट इज़ रॉन्ग। वाई? किसी भी दो पॉइंट को लाइन ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट होती है वो क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। ये क्या है, कॉर्ड है। तो इनका स्टेटमेंट है ये आर्क है। आर्क तो ये होता है, जो सर्किल का पार्ट होता है वो आर्क होता है, तो ये क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। इन्होंने आर्क लिखा, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। ऑल डायमीटर आर कॉर्ड, जितने भी डायमीटर होते हैं वो सब कॉर्ड होते हैं। हाँ सही बात है, जो लॉन्गेस्ट, ऑल डायमीटर आर कॉर्ड, सारे डायमीटर जो हैं वो कॉर्ड हैं, सही बात है, ट्रू। और इस सर्किल हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ रेडियाई, किसी भी सर्किल में फिक्स्ड नंबर ऑफ रेडियस होती हैं, रेडियस फिक्स्ड होती हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, इनफाइनाइट रेडियस होती हैं, अनगिनत रेडियस होती हैं, आप जितनी चाहिए उतनी रेडियस बना सकते हैं। तो ये इनका कहना कि ये फिक्स्ड होती है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। द एरिया लाइंग बिटवीन टू रेडियाई इज ए सेगमेंट, सॉरी टेंजेंट, किसी दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है वो टेंजेंट कहलाता है। ये तो रॉन्ग है, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ये सेगमेंट कहलाता है। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्किल को एक ही जगह पे टच करे लाइन वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने टेंजेंट बोला, ये टेंजेंट ना होकर यहाँ पर सेगमेंट होगा, सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्वाइस ए सर्किल इज अ सेमी सर्किल, ट्वाइस ए सर्किल इज अ सेमी सर्किल, किसी सर्किल का डबल करने पर सेमी सर्किल बनेगा, ये फॉल्स है। इसका अपोजिट राइट होता, ट्वाइस ए सेमी सर्किल, दो आधे सर्किल को ज्वाइन कर देते तो एक सर्किल बन जाता, दो सर्किल को ज्वाइन करने पर एक सेमी सर्किल नहीं बनेगा। इन्होंने कहा ट्वाइस ए सर्किल इज अ सेमी सर्किल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, तो ये भी रॉन्ग है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। अब आपको इस फिगर से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन चीज़ें कहाँ कहाँ पर है। अब इसमें देखिए, फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, ये सारी चीज़ें हमको फिगर से निकालनी, पहले फिगर को देख लेते हैं, फिगर है क्या उसके बाद। ओके, इट इज़ गिवन फिगर, इन दिस फिगर प्लीज सी ऑल द थिंग्स, पॉइंट ओ एज ए सेंटर, ओ एल रेडियस, ओ पी रेडियस, ओ क्यू रेडियस, and a line which is passing through the center, such type of chord is known as diameter. So P O Q as a diameter, or simply you can say that P Q is a diameter. तो सबसे बड़ी जो chord होती है वो diameter कहलाती है। R S chord है,
आर ए एस जो पोर्शन होगा सर्किल का वो क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। और इस क्वाड के बीच में जो शेडेड पोर्शन है, जो एरिया आ रहा है जो शेडेड है, उसको क्या बोला जाएगा, सेक्टर की सेगमेंट, ये सेगमेंट कहलाएगा ना, ये सेगमेंट कहलाएगा। और अगर रेडियस के बीच का पोर्शन शेडेड होता तो क्या कहलाता, सेक्टर कहलाता। क्लियर? तो ये कौन चीज़ है, आपका सेगमेंट है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में उन्होंने कौन कौन चीज़ें पूछी हैं आपसे। ओके, फर्स्ट पॉइंट रेडियस। अब आपको बताना है इसमें रेडियस का है, ओ एल एज ए रेडियस। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ओ एल। ए डायमीटर, पी क्यू भी आप लिख सकते हैं डायमीटर है, पी ओ क्यू भी लिखा जा सकता है डायमीटर। आप सिर्फ सिंपली पी क्यू लिख दीजिए, वो आपका आंसर कंप्लीट हो गया, पी क्यू एज ए डायमीटर। नेक्स्ट इज सेमी सर्किल। सेमी सर्कल का मतलब हो गया ऐसा सर्किल जो डायमीटर से इक्वली डिवाइड हो रहा हो। तो सेमी सर्कल हम ये भी शो कर सकते हैं, पी एल ओ, एक तो ये सेमी सर्कल हो गया, इसी तरीके से पी आर ए एस क्यू, ये पोर्शन ऊपर का जो हो गया ये भी सेमी सर्कल हो गया। आप किसी एक का नाम लिख सकते हैं, सेंटर, सेंटर ओ है। इस सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब हो गया वो हिस्सा जो आपका दो सॉरी जो आपका क्वाड के बीच में आ रहा हो। तो क्वाड के बीच में कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये शेडेड पोर्शन आपका सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स एरिया इनक्लोज बिटवीन आर ए एस आर, ये इतना पोर्शन क्या हो गया, सेगमेंट को शो करेगा। और सेक्टर, अब इसमें सेक्टर कहाँ है, सेक्टर वो होता है जो आपका दो रेडियस के बीच में आता है, ये पोर्शन आपका सेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। मीन्स एल ओ क्यू, ये आपका सेक्टर है, ये ऐसे ही पी ओ एल, ये आपका सेक्टर है। तो किधर का सेक्टर आपको शो करना है वो आप अपना कर लीजिएगा, सेगमेंट होगा, सेक्टर होगा, सेंटर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ओ इज द सेंटर ऑफ टू सर्किल हियर, मीन्स कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा, इन द फिगर गिवेन बिलो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग। आपको इसके बारे में डिटेल लिखनी है। पहले फिगर को देख लीजिए, ओ एज ए सेंटर, एक सर्किल अंदर की तरफ है, एक सर्किल बाहर की तरफ है। आर रेडियाई ऑफ द इनर सर्किल, अब आपको ये लिखना है अंदर के सर्किल की रेडियस कौन कौन सी है, ओ क्यू एंड ओ ई। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ क्यू ओ ई। क्लियर? आर रेडियाई ऑफ द इनर सर्किल, सिर्फ यहाँ पे लिख दीजिए ओ क्यू कॉमा लगा के ओ ई। अब सेकेंड पार्ट, ओ पी ओ बी ओ ए आर। ओ पी कहाँ है पहले देखिए, ओ पी ओ बी ओ ए आर रेडियाई ऑफ, यहाँ पे रेडियाई ऑफ द आउटर सर्किल, ये आउटर सर्किल की रेडियस है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आउटर और यहाँ पे रेडियाई, ओ पी ओ बी ओ ए आर रेडियाई ऑफ द आउटर सर्किल। क्लियर? ये आउटर सर्किल है। डी ई इज द, का डी ई कहाँ पर है, डी ई ये डायमीटर है ना इनर सर्किल की, तो डी ई इज द डायमीटर ऑफ द इनर सर्किल, यहाँ पे फिल करिएगा डायमीटर ऑफ द इनर सर्किल। ए बी इज द, अब ए बी कौन चीज़ है, ए बी भी डायमीटर है आउटर सर्किल की, तो ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द आउटर सर्किल। यहाँ पे क्या, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द आउटर सर्किल। ओके, फिफ्थ में द टू सर्किल्स आर कॉल्ड, अब ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर सेम हो क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। द टू सर्किल आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल, सी ओ एन सी ई एन टी आर आई सी, कॉन्सेंट्रिक, सी ओ एन सी ई एन टी आर आई सी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। डी एम ई इज ए, डी कहाँ है, डी एम ई, डी एम ई इज ए सेमी सर्किल ऑफ इनर सर्किल। क्लियर? ए एन बी, ए एन बी इज सेमी सर्किल ऑफ आउटर सर्किल, ये इनर सर्किल का सेमी सर्किल बना और ये आउटर सर्किल का सेमी सर्किल बना। क्लियर? सो एक्सरसाइज 21C इज कम्प्लीटेड, मैचिंग वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, ट्राई टू फिल योर सेल्फ, इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू एवरी वन। ड्रेस, ओके, दीज आर अदर क्वेश्चन, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू एवरी वन, गुड बाय।